नमस्कार दोस्तों, एसएमएल में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है, शुरू करने से पहले हम ये बताएं, हमारे लास्ट वीडियो जो एक बार आई थी जिसमें हमने गिव्वे किया था, उसमें किशन जी ने विनर हुए थे और किशन जी को गिफ्ट मिल भी चुका है। उनके मैंने कुरियर कर दिया था, उनकी तरफ से मेल भी आया था कि उन्हें वो मिल गया। तो किशन जी आपको बधाई हो। अभी मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि 50,000 सब्सक्राइबर हो जाने पर मैं एक गिव्वे करूंगा, जो होगा एक शूटिंग रेंज। तो ये बिल्कुल सही है, मैं एक शूटिंग रेंज प्रॉपर गिवे करने वाला हूँ। किशन जी उसमें भी सवाल पूछते हैं कि क्या आप जाएंगे विनर के यहाँ इंस्टॉल करने। नहीं किशन जी, मैं वहां जाके इंस्टॉल नहीं करूंगा। मैं इंस्टॉलेशन की पूरी बुकलेट बना के रखा है मैंने। जब मैं किसी को एक रेंज देता हूँ तो उसमें इंस्टॉलेशन की पूरी डिटेल होती है, कैसे आप अपनी शूटिंग इंस्टॉल करेंगे। तो आप अपने से खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करें तो बाहर से किसी बढ़ई को या कारपेंटर किसी को भी आप ला के आपको इंस्टॉल करा सकते हैं उसमें लिखे हुए डायग्राम के थ्रू। तो जो शूटिंग रेंज की सेटअप है ये लगभग मार्केट में अलग अलग रेंज से स्टार्ट हो जाती है। 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 तक, 13,000, 14,000 तक की रेंज की आती है। जो मेरे पास सेटअप है वो 8,000 से 12,000 रुपए तक का होता है। स्कूलों को मैं प्रेफर 12,000 वाला करता हूँ, क्योंकि उसमें मैं वारंटी सर्विस सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। और आपको जो मैं गिवे देने वाला हूँ 8,000 वाली में जो मेरी मशीन है, मैं वो गिवे करूंगा। ये पूरा सेटअप फ्री ऑफ होगा, इसमें आपको 1 रुपए भी नहीं देना है विनर को, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह का कोरियर नहीं। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, जिसे आप प्यार अपना देते रहते हैं, उसे देते रहिए। जय 50,000 सब्सक्राइबर आए पूरे हो जाएंगे, इसको हम गिफ्ट कर देंगे। मगर ऐसा है कि अभी ये 35,000 15,000 सब्सक्राइबर बहुत दूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो गिव्वे मैं बाद में करूंगा, बहुत समय है। गिव्वे तो वो है ही, लेकिन इस वीडियो में भी गिव्वे है। तो इस वीडियो में गिव्वे है ये जो टी शर्ट मैं पहनता हूँ एसएमएल की, ये टी शर्ट आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, अपना प्यार इस चैनल से बनाए रखिए, आपको गिफ्ट मिलते रहेंगे। तो शूटिंग रेंज को सेटअप को तैयार करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि साइज़ और लेंथ क्या हो, ये मैं उसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। मैं ये जो शूटिंग रेंज बनाया हूँ मैं उसकी आपको साइज़ बता दे रहा हूँ। जिसका हमने टेबल इस्तेमाल किया है वो टेबल 2.5 फुट ऊँचा है, जिसकी ऊँचाई हमने 2.5 फुट रखी है और चौड़ाई हमने 21 इंच रखी है। ये आपके हिसाब से हो सकती है कि आप इसको कितना चौड़ा बना रहे हैं, 18 इंची, 20 इंची, 21 इंची। हमने इसको इसलिए बनाई है कि नीचे हमने इसकी अलमारी भी बनाई है, इस कारण हमने ये बनाया है। एक मशीन से दूसरी मशीन की दूरी के बीच की जो हमने गैप रखी है वो 1 मीटर की रखी है, जिससे एक शूटर को पूरे 1 मीटर की स्पेस मिले फायरिंग करने के लिए। तो जिससे कि अगर वो राइफल और पिस्टल शूटर एक साथ चला रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। तो हमने 1 मीटर की स्पेस दो मशीनों के बीच में रखी हुई है। अब हम बात करते हैं लाइट सेटअप के पास। लाइट सेटअप पे जो टारगेट हमने सेट किया है, टारगेट की जो हाइट होती है 142 सेंटीमीटर होती है टारगेट पॉइंट से, न कि मशीन से। आपको पेपर रखना है, जो टारगेट पेपर होता है वो आप दीवार पे रखें और वहाँ पे आप मार्किंग करें 142 सेंटीमीटर का। आपकी मशीन ऐसे सेट होनी चाहिए कि वो ब्लैक पॉइंट जो होता है मेन टारगेट, वो 142 सेंटीमीटर पे आना चाहिए। और दो मशीन की बीच की जो दूरी है वो अभी भी यहाँ से भी 1 मीटर ही आनी चाहिए। बोर्ड अगर आप लगा रहे हैं तो बोर्ड की डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, बिना बोर्ड के भी इस मशीन को आप लगा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को देख लें, जो हमने साइज रखी है इधर की भी वो आप देख सकते हैं वो 1 मीटर ही है, जो हमने उधर भी रखी, तो दोनों इक्वल है, जिससे कि कोई भी डिस्टर्ब ना हो, एक प्रॉपर रेंज बनी रहे। लाइट सेटअप के लिए हमने जो इस्तेमाल किया है येलो वार्म लाइट का इस्तेमाल किया है, जो 7 वाट से लेकर 9 वाट तक का होता है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम टारगेट फोकस पे, टारगेट को फोकस करने के लिए। और जो पूरे रूम के अंदर लाइटिंग होती है उसको आप इससे ज़्यादा ना करें, अदरवाइज वो प्रॉब्लम कर सकती है। इसके लिए भी होता है कि आप शूटिंग रेंज में कितनी लाइटिंग होती है, शूटिंग रेंज की लाइटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लाइटिंग को करते समय आप ये देखें कहीं भी शेडो प्रॉपर ना आ रही हो, सब कुछ बहुत क्लियर आनी चाहिए। रोप की सेटिंग आप देख सकते हैं कैसी गई है। तो इस तरीके से आप अपनी शूटिंग रेंज की सेटअप कर सकते हैं। दो ही तीन चीज़ की इंपॉर्टेंट बात होती है इसको सेटअप करते समय, आप उसको देखें, प्रॉपर समझें और इस तरीके आप शूटिंग रेंज अपनी तैयार कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ये है, शूटिंग रेंज बनाते समय आपको जो ज़रूरी बात देखनी है कि जो फायरिंग पोजीशन होगी वो 10 मीटर के बाद होगी। यानी फायरिंग पोजीशन यानी आपके पैर जो है रेंज के 10 मीटर के बाद ही होना चाहिए, इस बात को हमेशा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।